पवित्र रोजरी विंदी वास्तव में संपूर्ण सुसमाचार है। प्रभु येसु के संपूर्ण जीवन को चार भागों में बांटकर हम मां मरियम की कक्षा में बैठकर उनके साथ मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। यदि हम सोचते हैं कि पवित्र रोजरी विंदी में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितने बार ये हमारे पिता बोलते हैं या कितने बार प्रणाम या प्रार्थना बोलते हैं, वास्तव में वो नहीं। हमारा ध्यान प्रभु येसु के जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर होनी चाहिए। उन्हें हम रहस्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें हम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हमारे ज्ञान और बुद्धि से। उन रहस्यों को ईश्वर हम पर प्रकट करते हैं और उसके लिए एक उत्तम माध्यम है पवित्र रोजरी विंदी। प्रभु येसु के संपूर्ण जीवन और कार्य पवित्र भी है और ईश्वरीय भी है क्योंकि स्वयं प्रभु येसु वास्तव में पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य भी, इसलिए उनके कार्य पवित्र भी हैं और ईश्वरीय भी हैं। और मां मरियम के जीवन की भी घटनाएं उसमें शामिल हैं, बहुत सारी घटनाएं, विशेष रूप से आनंद के भेद पूर्ण रूप से मां मरियम और प्रभु येसु दोनों से जुड़ी हैं। उसी प्रकार हम प्रकाश या ज्योति के भेदों में भी यदि हम देखें वहां भी मां मरियम उपस्थित रहती हैं। और मां मरियम के जीवन भी जरूर ईश्वरीय तो नहीं लेकिन पवित्र है क्योंकि वे पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कार्य किया करती थी। तो इन दोनों व्यक्तियों के जीवन पर आधारित जो 20 रहस्य हैं जिन्हें चार खंड में रखा गया है, हम उन पर मनन चिंतन करते हुए हम पवित्र रोजरी विंदी करते हैं। हम यहां अपना दिमाग उपयोग करके नहीं बल्कि अपने आप को एक निरे बच्चे के समान हम नम्र भाव से विनम्र भाव से उनके सामने उपस्थित होकर हम स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। हम सुनते रहते हैं कि ईश्वर मां मरियम के द्वारा इन रहस्यों के बारे में हम पर क्या प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हमारे ध्यान में इन रहस्यों को रखकर पवित्र रोजरी विंदी करना अनिवार्य है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि पवित्र रोजरी विंदी में दोनों बातें हैं, यानी रहस्य भी है और प्रणाम मरिया और ये हमारे पिता प्रार्थना है। वास्तव में इस पवित्र रोजरी विंदी की आत्मा ये 20 रहस्य है। इस आत्मा को हम निकाल दें तो ये शरीर लाश बन जाएगा, इसमें कोई जीवन नहीं रहेगा। इसलिए हम ध्यान में रखें जब हम पवित्र रोजरी विंदी करें हम इन रहस्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए मनन करते हुए मां मरियम के उपस्थिति में हम त्रिएक ईश्वर की महिमा करते हुए प्रभु येसु के जीवन पर मनन करते हुए हम पवित्र रोजरी विंदी करें। संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट अपने इस पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द रोजरी में इन रहस्यों के बारे में कुछ विशेष बातें बताते हैं। उनमें से कुछ बातें इस प्रकार है, वे कहते हैं ये कुछ पिक्चर्स के समान है। वास्तव में आप कोई पिक्चर को देखिए, उनमें कुछ लिखे नहीं रहते हैं लेकिन चित्रों को देखकर हम बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। यानी जो व्यक्ति जानता है चित्र के बारे में, उस कला के बारे में, वो एक चित्र के बारे में पुस्तकें लिख सकते हैं। जैसे संत लुकास के सुसमाचार अध्याय 15 में जो उड़ाव पुत्र का जो दृष्टांत है उसी के ऊपर बहुत सारे पुस्तकें लिखे गए हैं, उसी एक ही दृष्टांत पर। तो वो एक चित्र है, उस चित्र को देखकर उसका पूरा वर्णन। उसी प्रकार एक एक रहस्य एक चित्र के समान है जो हमारे सामने रखे जाते हैं और हम उनके सामने उपस्थित होकर हम वास्तव में उसमें खो जाते हैं। प्रभु येसु के जीवन हमसे बातें करते हैं और वे आगे कहते हैं कि ये टॉर्च के समान है जो हमें रोशनी प्रदान करते हैं। और हम जानते हैं अंधेरा में एक ज्योति हमें इतने पर्याप्त रोशनी देती है कि हम उस अंधेरे राह पर हम अपना लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये रहस्य भी उसी प्रकार है और ये रहस्य एक आईने के समान है, वे हमारे बारे में हम पर प्रकट नहीं करते बल्कि प्रभु येसु और मां मरियम के बारे में हम पर प्रकट करते हैं और वे ईश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में एक प्रकार से उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं। और ये रहस्य आग के समान है जिसमें हम कुछ भी डाल दें वो उसको शुद्ध कर देता है, जो गंदगी है जो वास्तव में जरूरी नहीं है उन सबको वो नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार
इन रहस्यों को ध्यान पूर्वक हम मनन करते हुए पवित्र रोज़री विनती करते हैं तो हमारे जीवन के अपवित्रताओं को और जो बातें ईश्वरीय नहीं है उन सबको ये रहस्य धीरे 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 हमारे जीवन से निकाल कर हमें पवित्र करते हैं। तो पवित्र रोज़री विनती में हम देखते हैं कि प्रभु येसु के संपूर्ण जीवन को चार भागों में बांट कर रखा गया है। आनंद के भेद, इसमें जो पांच घटनाएं हैं या रहस्य हैं उनमें हम देखते हैं कि हर घटना में हर रहस्य में आनंद है। आप उसको चेक करिएगा। हम पहले रहस्य में देखते हैं स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम को संदेश देते हैं, वहां स्वर्ग आनंदित हो जाता है, जरूर मां मरियम भी। दूसरे भेद में हम देखते हैं मां मरियम संत एलिजाबेथ से मिलती है, वहां चार लोग पूरे गांव आनंद मनाता है। तीसरे भेद में प्रभु येसु का जन्मोत्सव, वहां भी सब आनंदित हैं, स्वर्गदूत आकर महिमा गान गाकर नाचते गाते हैं और चरवाहे भी नाचते गाते हैं, मां मरियम और संत योसेफ भी आनंद मनाते हैं। चौथा भेद में हम देखते हैं प्रभु येसु को मंदिर में चढ़ाया जाता है, वहां भी आनंद मनाते हैं लोग। पांचवें भेद में भी हम देखते हैं 12 वर्ष के प्रभु येसु को मंदिर में पुनः पाने के कारण मां मरियम और संत योसेफ के जीवन में आनंद वापस लौटता है। इस प्रकार हम दूसरे जो खंड हैं वो है ज्योति के भेद, उनमें हम देखते हैं कि प्रभु येसु का संपूर्ण जो सेवा कार्य है, ये पांच जो रहस्य हैं हमारे चरणों के लिए हमारे पद के लिए ये रोशनी प्रदान करते हैं, ज्योति प्रदान करते हैं। दुख के भेदों में हम देखते हैं कि वहां एक दुख का माहौल पूरा बना रहता है पांचों रहस्यों में, और महिमा के भेद में हम देखते हैं कि वहां प्रभु येसु और मां मरियम महिमा में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु का संपूर्ण जीवन चार खंड में बांट कर रखा गया है और उन्हीं में ही हमें भी प्रवेश करके उनके साथ जीने के लिए, उन पर मनन करते हुए अपना जीवन यापन करने के लिए ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। तो आज से जब हम इन रहस्यों पर मनन करते हुए पवित्र रोज़री विनती करते हैं, हम इन रहस्यों को ध्यान में रखकर हम पवित्र रोज़री विनती करें, और इसी के बारे में हम इसके पहले भी मनन किए हैं और हमारे चैनल में और भी वीडियोस हैं पवित्र रोज़री विनती कैसे करनी चाहिए। यदि आप उनको नहीं देखे हैं आप जरूर उनको देखिएगा, वे आपको मदद करेंगे। आइए हम एक साथ मिलकर पवित्र रोज़री विनती में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रिय जनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन वेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुवारी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्म सार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आनंद के भेद। पहला भेद, गैब्रियल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम को संदेश देते हैं। चिंतन। स्वर्गदूत गैब्रियल ने कुंवारी मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आप से उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के समान हम भी ईश्वर की इच्छा और योजना के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। हमें पवित्र विश्वास से जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कर। हमारे सभी मतलबों के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया,
कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है। चिंतन, कुवारी मरियम अपनी गर्भवती कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए यूदा के एक नगर पहुंची। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया तो वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तब मरियम आत्मा में भजन गाने लगी। प्रार्थना, हे प्रभु, जैसे मरियम का अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ और उसका गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और 3 महीनों तक उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव मरियम द्वारा मिला, हमें भी माता मरियम के द्वारा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। हे प्रभु, सभी निस्संदान दंपतियों,
गर्भस्थ बच्चों और बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए इस भेद को उनके लिए समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, यीशु मसीह का जन्म। चिंतन। कैसर अगस्तस के राज्यकाल में पहली जनगणना की राजाज्ञा निकाली गई थी, इसलिए यूसुफ अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नासरत से बेतलहम गया ताकि वे अपना नाम लिखवाए। वही मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने एक गौशाला में यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए
सराय में जगह नहीं थी। तब स्वर्गिक सेना ने ईश्वर की स्तुति में गीत गाए। मुक्तिदाता प्रभु येसु के जन्म की खबर स्वर्गदूतों ने चरवाहाओं को दी। उन्होंने भी जाकर येसु को चरनी में लेटा देखा और ईश्वर का गुणगान और स्तुति किया। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के कौमार्य को भंग किए बिना तूने कुंवारी मरियम से जन्म लिया, इसलिए जीवन के अंत तक नित्य कुंवारी बने रहने की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। हे कुंवारी माता, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म संगियों के लिए प्रार्थना कर कि वे अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार रहें और तेरे जैसा एक पवित्र जीवन जी सके। उनके लिए इस भेद को हम समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे,
जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, बालक यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। चिंतन। मूसा की संहिता के अनुसार पुत्र प्रसव के 40 दिनों के बाद शुद्धिकरण का दिन आया, तो माता पिता यीशु को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। सिमयोन नामक धर्मी पुरुष पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। उसने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए बालक के विषय में भविष्यवाणी करने लगा। अन्ना नामक विधवा नबिया, जो मंदिर में उपवास प्रार्थना करते हुए रहती थी, वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और बालक के विषय में लोगों को बताने लगी। प्रार्थना। हे प्रभु, समयोन और अन्ना के समान तुझे हमारे हृदय में अनुभव करते हुए सदा स्तुति आराधना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। बालक और दुदुमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। हे माँ, हमारे परिवार के सभी बच्चों और सभी अनाथ गरीब बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे ईश ज्ञान और भक्ति में बढ़ते जाएं। सभी बच्चों के लिए हम इस भेद को अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद, यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। चिंतन। जब बालक यीशु 12 बरस का था तो माता पिता प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें यह मालूम पड़ा तो वे यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यीशु ने अपनी माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब माता पिता ने 3 दिनों के बाद तुझे मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठा पाया तो उन्हें कितना आनंद हुआ। तू उनके साथ नाजरेत गया और उनके अधीन रहा। हम सभी बच्चों और युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे समान अपने माता पिता के अधीन रहकर ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अपने हाथों को जोड़कर, अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी हो गए। Hey,
करो मां।
प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुमारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ,
मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहें। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोजरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे माता हो, हमारी भी माता हो।